लेकिन गवर्नमेंट में बार बार ये होती है, मैं आया हूँ, लीक होने की इशू जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये स्टूडेंट को सफ़र नहीं करना ये चीज़। मैं क्यों आपसे रिक्वेस्ट बार बार करूं, आप अपने ऑफिसर को इस चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट एक्सेप्शन दो, कुछ करो। आप अपनी बॉडी भी क्यों नहीं स्पेशलाइज कर रहे हैं, पर आप एक ऑफिसर को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते। जिस तरह हम लोग डिग्निटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पर आप वो डिग्निटी को धूमिल करना चाहते हैं, उसको मेंटल टॉर्चर करते हो। आप टॉर्चर ये करते हो, उसकी दूर सेंटर भेज दो। चोरी करवाने वाले खुद सिस्टम में ही लोग बैठे हुए हैं, कोई स्टूडेंट क्या कर सकता है। कल एग्ज़ाम है, आज हम चले हैं, आज दिन भर सुबह से चला गया मेरा, फिर आज रात भर जाएगा, कैसे सोएंगे कैसे बैठेंगे कुछ पता नहीं है। इतना एनर्जी मेरा चला जाएगा कि हम वहाँ पे जाके एनर्जी हम गेन ही नहीं कर पाएंगे सेंटर पे, जो कि हम कुछ लिख पाएँ। अभी ही थक के हालत ख़राब है। नीतीश जी एक्चुअली सफ़र नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली पूरा सफ़र करवा रहे हैं स्टूडेंट को यहाँ से वहाँ, जबकि उनका सिस्टम, उनको अपने सिस्टम पे, प्रशासन पे भरोसा नहीं है कि अपने, तभी ना वो एक छोर से दूसरे छोर भेज रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। कुछ बीपीएससी स्टूडेंट से हम बात करते हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए दूर दूर जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी वो परेशान रहते हैं, और हम उनसे बात कर रहे हैं। 68वीं पीटी बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, और हमारे साथ आपका सेंटर कहाँ गया है? मेरा सेंटर गया पर है। नाम क्या है? मेरा आदित्य आनंद नाम हो गया, मैं मिथिलांचल रीजन से आता हूँ। आपका सेंटर गया? हाँ, मेरा गया सेंटर पर है। तो पूरा एकदम मैं लगेज लेके आया हूँ, इसलिए आया हूँ, मुझे पता नहीं है ना मुझे कहाँ स्टे करना, नहीं मैं वहाँ जाऊँगा, मैं सेंटर पे भी जाऊँगा, अनुग्रह नगर मेरुल कॉलेज मेरी सेंटर पर ही है। वहाँ जाने के बाद मुझे पता करना होगा क्या वहाँ की स्टे की कंडीशन है, नहीं है कॉलेज में तो कुछ स्टे करना होगा नहीं। मैं आया हूँ सेंटर, ये रिक्वेस्ट ये गवर्नमेंट से, आप विद इन 100 किलोमीटर, विद इन 50 किलोमीटर, विद इन 30 किलोमीटर आप सेंटर बनाओ किसी के लिए। आपकी गवर्निंग बॉडी अच्छी रहेगी, और आपकी एजेंसी में स्पेशलिस्ट रहेंगे, सारे प्रोफेशनल रहेंगे जो भी रहेंगे, उससे क्या होगी आपकी लीक होने की कोई संभावना नहीं है। आप दूर बच्चे को भेज रहे हो, इससे क्या हो रहा है, बच्चे की हरासनेस हो रही है, मेंटल हरास हो रही है। ये बच्चे सफ़र कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कितने स्ट्रगल करके हम लोग एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, पर आप एक ऑफिसर को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते। जिस तरह हम लोग डिग्निटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पर आप वो डिग्निटी को धूमिल करना चाहते हैं, उसको मेंटल टॉर्चर करते हो। आप टॉर्चर ये करते हो, उसकी दूर सेंटर भेज दो। वो आते हैं, मैं 2 दिन से ट्रेवल में हूँ, मैं कल निकला हूँ मॉर्निंग में दिल्ली से, मैं आज पहुँचा हूँ, मुझे कल पेपर लिखना, फिर राइट में निकलना, फिर मुझे निकलना हुआ, क्योंकि मेरी पेपर फिर यूपीएससी के पेपर मेरी प्रीलिम्स है, उसमें जी जान लगा के मुझे निकालना वो पेपर भी। मैं पिछली बार भी दिया था प्रीलिम्स, मेरी सी सेट की वजह से रुक गई थी। लेकिन गवर्नमेंट में बार बार ये होती है, मैं आया हूँ, लीक होने की इशू जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट अपने आप में बदलाव लाए, कमीशन बदलाव लाए, स्टूडेंट को सफ़र नहीं करना ये चीज़। मैं क्यों आपसे रिक्वेस्ट बार बार करूं, आप अपने ऑफिसर को इस चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट एक्सेप्शन दो, कुछ करो। आप अपनी बॉडी भी क्यों नहीं स्पेशलाइज कर रहे? सही कहा कि आप अपना गलती स्टूडेंट पे थोप रहे हैं। अगर स्टूडेंट चीटिंग कर रहा है तो आप अपने प्रशासन को चुस्त, आप क्यों नहीं IIT वाले जेमर लगाते, आप क्यों नहीं लगा सकते? कमीशन बॉडी हो आप, IIT वाले से कहीं ज़्यादा। पेपर लगाया BSSC तब भी तो पेपर लीक हो गया। नहीं, आपके अधिकारी उसमें मिले हैं, आप वैसे अधिकारी को अपॉइंट कर रहे हैं, आप क्यों ने उसको बर्खास्त किया? आखिर 30 किलोमीटर हो चाहे 40 किलोमीटर हो, इसके अंदर में भी अंदर में होंगे तो वो इसमें क्या होगा। आप वहाँ एक बॉडी ऐसी बना दो, उस स्ट्रिक्ट कर बना दो, ऐसी बना दो स्पेशलिस्ट एजेंसी जो उस चीज़ को मॉनिटरिंग करे, 2-3 दिन पहले से मॉनिटरिंग करे, कहाँ क्या सर्विलेंस क्या है नहीं है, वो इशू आप मॉनिटरिंग करो। लेकिन बच्चे भी इस तरह की मेंटल टॉर्चर प्रेशर आती है तो बच्चे पैनिक हो जाते हैं मोड में, लास्ट टाइम अपना 100% नहीं दे पाते हैं, जो कि पहले से 100% देते आते हैं लेकिन लास्ट टाइम में नहीं दे पाते, वो एक बहुत बड़ी मेंटल प्रेशर बन जाती है बच्चे पे करियर लेके। आपने सही कहा, आप लोग का भी एग्ज़ाम है। चलिए कुछ और अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रवि हुआ। रवि, कहाँ गया है आपका एग्ज़ाम सेंटर? मेरा एग्ज़ाम सेंटर कैमूर गया हुआ, कैमूर भभुआ। काफ़ी दूर? हाँ, काफ़ी दूर दिया गया है सेंटर। ट्रेन तो अभी उसके लिए मतलब सीट वगैरह कंफर्म है कि नहीं? सीट वगैरह तो जिस रूट से जा रहे हैं वहाँ के लिए सीट तो है, लेकिन हाँ थोड़ा दूर तो है, थोड़ा परेशानी तो है, दूर है। मतलब हम देखते भी है, कभी कभी हम सफ़र करते हैं तो देखते हैं कि जब सेंटर जाता है, एग्ज़ाम होता है बच्चे को, बेचारा बाथरूम का गेट तक भी सब लोग नीचे। समस्या तो है, ये सब तो है, प्रॉब्लम है। उसके बाद जब ये पेपर वगैरह लीक हो जाता है तो वो तो डबल हो जाता है ना परेशानी सब। हाँ, उस बार भी एग्ज़ाम था, उस बार भी पेपर कैंसिल हुआ तो दोबारा एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हुआ। तो एक्चुअली पिछले बार होता इसके इस मामले में थोड़ा लकी था कि मेरा होम सेंटर पड़ गया था कैंसिल होने के बाद, तो अदरवाइज इस बार तो थोड़ा ज़्यादा दूर पड़ गया था उसको लेकर। नेगेटिव मार्क्स जो लेकर आया है तो ठीक है, जो भी न्यू इनोवेशन है वो ठीक है। हाँ ठीक है, जो है सब ठीक है, सबके लिए। लड़कियों को तो ग्रीस हाँ तो ओके ओके, उसके लिए दिव्यांगजन के लिए भी है, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बिहार परेड हो रहा है। लड़कों पे ज्यादा पाबंदी है कि यही लोग चोरी कर सकता है, लड़कियां नहीं कर सकती। अब कौन है ये तो चोरी, तो चोरी तो चोरी करवाने वाले खुद सिस्टम में ही लोग बैठे हुए हैं, कोई स्टूडेंट क्या कर सकता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शशि शंकर सिंह है। कहां गया सेंटर? हम मेरा सेंटर आड़ा गया हुआ है, कटिहार से हैं हम। हाँ, तो जो दूर दूर सेंटर दिया जाता है, लोग अपना काम छोड़ के या सब चीज़ छोड़ के प्रिपरेशन भी करते हैं। और कहते हैं अभी जो कल एग्ज़ाम है, आज हम चले हैं, आज दिन भर सुबह से चला गया मेरा, फिर आज रात भर जाएगा, कैसे सोएंगे कैसे बैठेंगे कुछ पता नहीं है। हैं, उतना जो दो दिन जो हम ज़्यादा और एनर्जी के साथ पढ़ते हैं लास्ट में, वो दो दिन मेरा एनर्जी सक कर ले रहा है। बिहार बीपीएससी इतना दूर सेंटर दे के क्या फायदा है भाई? आपका आया हुआ है वो भी भुला जाएगा, थक जाएगा, इतना एनर्जी मेरा चला जाएगा कि हम वहाँ पे जाके एनर्जी हम गेन ही नहीं कर पाएंगे सेंटर पे, जो हम कुछ लिख पाए। अभी ही थक के हालत खराब है, 8 घंटे का ट्रेवल करके यहाँ आए, फिर आड़ा जाएंगे, है ना। जी को एक दिन बताइएगा कि ऐसे सफर कीजिएगा और पूरा मतलब दो दिन मत सोइएगा, उसके बाद आप कुछ बोलिएगा, देखिएगा। नीतीश जी एक्चुअली सफर नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली पूरा सफर करवा रहे हैं स्टूडेंट को यहाँ से वहाँ, जबकि उनका सिस्टम, उनको अपने सिस्टम पे प्रशासन पे भरोसा नहीं है कि अपने होम सेंटर पे वो टाइट नहीं रख सकते हैं, तभी ना वो एक छोर से दूसरे छोर भेज रहे हैं। क्या गारंटी है? क्या सवाल बार बार स्टूडेंट कर रहे हैं कि यानी कि अपने प्रशासन पे भरोसा नहीं है? नहीं है, आपको अपने प्रशासन पे भरोसा नहीं है। और काफ़ी तकलीफ हो रहा है, इन लोगों को दुख भी हो रहा है कि भाई इतना दूर सेंटर आखिर बीपीएससी क्यों दे देता है, आखिर सरकार को इस पे ध्यान क्यों नहीं केंद्रित करती है कि हमें इतना सेंटर दूर नहीं दिया जाए, यानी कि 30 किलोमीटर हो या 40 किलोमीटर हो उसके अंदर में ही सेंटर दिया जाए। नेगेटिव मार्क्स पे क्या कह रहे हैं इन्होंने आपने देखा ही, और ई ऑप्शन को तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आयोग जानबूझ कर रखी हुई है अपने आप को बचाने के लिए। चलिए अभी के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ, धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।